तो हमारा अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई, आयु संबंधी प्रश्न है। जो आयु से संबंधित प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। तो इसका एक पॉइंट ध्यान से समझ लें भाई, यहाँ पर अनुपात को हमें पहले ही पता करना है, उनके आयु का अनुपात वो देंगे या नहीं देंगे तो हमें निकालना है, ठीक है। और अगर इन्होंने दो अनुपात दे दिए, सपोज करो यहाँ दे दिया 1:2 और बाद में दे दिया 3:4, ये इस टाइप से दे दिया। पहले बोला कि उनके बीच के आयु का अनुपात कितना है, 1:2, बाद में बोला 1:3 कितना है, 3:4 है। तो हमें इस सवालों को हल करते समय इनका अनुपात घटाना है यहाँ से इधर को और ये वाला है, और इनका अंतर हमें सेम मिलना चाहिए। जैसे यहाँ तो हमें ऑलरेडी मिल ही गया सेम 2:2, अगर वहीं कहीं पर नहीं है तो बनाना है। हाँ, जैसे अब ये 3:4 है, अगर ये 2 नहीं आता तो इनमें हम किसी संख्या से गुणा करते तो ये बदल जाते नंबर, अनुपात वही रहेगा ना, दोनों में गुणा करेंगे ना। और अगर ये ऊपर ये वाला मतलब ये वाले से नहीं बन रहा है तो ऊपर वाले में गुणा कर लो, दोनों में अगर दोनों से अलग अलग गुणा करके नहीं बन रहा है तो दोनों में ही किसी अंक से गुणा करो, अलग अलग अंक से करो चाहे, लेकिन ऐसी कंडीशन पहुंचना है कि इनका अनुपात कैसा आ जाए, समान आ जाए। और अनुपात का मतलब है ये घटा के जो बचेगा वो वाला अनुपात है ना, रेशो। आ गया समझ में? क्योंकि अगर ये चीज ट्रिक नहीं लगाओगे तो एक्स मान के करोगे और वाई मान करोगे कि उसकी पिता की आयु एक्स है, पुत्र की आयु वाई है, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से करोगे तो बहुत आसान हो जाए। उन्होंने कहा कि इनके मतलब इनकी आयु का अंतर इतना दिया है, अंतर दिया है तो जो अगर पहले का अंतर दिया है तो इनको घटा के लिखना है, बाद का अंतर दिया है तो इनको घटा के लिखना। उन्होंने कहा कि इनकी आयु का योग ये है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनको जोड़ के बताना है कि उतना होगा। और फिर जब हम हल करेंगे तो हम 1:1 का सबसे पहले मान निकालेंगे, अनुपात को रेशो बोलते हैं, आर मान ले रहे हैं। सबसे पहले हमें 1:1 का मान निकालना, जैसे चाहे हमारा 3:1 का आया हो, क्योंकि हम क्या करेंगे इधर 3 से भाग कर लेंगे, उधर 3 से भाग कर लेंगे तो 1:1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इधर जो भी संख्या दी हो, मान लो x, अभी वैसे x मान के करेंगे नहीं है, जो भी संख्या दी है वो क्या उसके बटे में कितना जाएगा, 3। आगे समझ में ये नहीं समझ में आया तो पहला सवाल समझो, देखो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक समझना इसके, कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 कितना है, 5 है। ये अनुपात दिया है 4:5, किसका दिया है, ये वर्तमान का। याद है तो मत लिखो और याद नहीं है तो मैं यहाँ इसके सामने लिख दे रहा हूँ, ये वर्तमान समय की आयु का अनुपात है। फिर बोला है 5 वर्ष के बाद ये अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। समय कितना लगा इस अनुपात से इस अनुपात में आने में, 5 वर्ष, ये भी माइंड में रखना है। और हम ये देखेंगे इसका अंतर इसके साथ क्या सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हमें, उनमें हम बताएंगे किस प्रकार सेम करना है। वो ये ना किसी अंक से गुणा करेंगे दोनों, तो यहां देखें अंतर क्या, इनका सेम मिल रहा है, इधर से 1 मिल रहा है। देखो अनुपातों का अंतर 1 है, नहीं 1R लिख लिया करो या खाली 1 लिख लिया करो समझने के लिए, है ना। तो इसका मतलब यह हम अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये यहां तक आने में कितना अनुपात बढ़ा, 1:1 बढ़ा, लेकिन इसे कितने साल लग गए 1:1 के लिए, 5 वर्ष लग गए, नहीं लग गए, ये बात ध्यान रखना। ये यहां तक आने में इसे 1:1 बढ़ा, लेकिन यहां 1:1 आने के लिए इसे कितने वर्ष लगे, 5। बोला नहीं है कि 5 वर्ष के बाद, तो कह रहे हैं तो एक ही वर्तमान आयु बताइए, आंसर आ गया अपना। कैसे आ गया, एक ही पूछ रहे हैं ना, तो ये ए है और ये कौन है, वर्तमान आयु यही तो होगी। 1:1 का मान 5, तो 4:1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो एक ही वर्तमान आयु क्या हो गई, 20 बताओ टाइम लगेगा इसमें अगर अनुपात आगे निकालना है तो हमें क्या करना है, उसका अनुपात लेना और यहां पर जो 1:1 का मान दिया उसके हम गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, 20। नहीं एक्स मानो ना ही वाई मानो, ऐसे ही आराम से हो जाए। लेकिन नियम कब अप्लाई होगा, ये इस मेथड को याद रखना कि ये नियम तभी अप्लाई होगा जब इनके बीच इधर वालों के अनुपात का और इधर वाले अनुपात का कैसा हो, बराबर हो।
अगर एक अनुपात दिया तो चलता है, फिर नहीं देखना है हमें, ठीक है। कहीं पर केवल एक ही अनुपात दिया, जैसे ऊपर ऊपर वाला देखना है, तो किसके साथ अंतर देखोगे? तो ये नियम ऐसे ही लागू कर देना है ना। यार आ रहा है समझ में? हाँ ठीक, नोट करें इसे। अब ये दूसरा वाला भी ध्यान से समझे, इसी की तरह ही है ये भी। इन्होंने कहा विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। विशाल को हम बी से 100 कर दे रहे हैं और शेखर को एस से, ठीक है। और इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दिया इन्होंने 14, अनुपात कितना 17। ये वर्तमान का है, ठीक है। इसका है वर्तमान, याद के लिए लिख लो, नहीं तो पता है ऊपर वाला हमने अभी वर्तमान लिया। फिर इन्होंने बोला है 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना हो गया? 17:20। ध्यान रखना है इस अनुपात से इस अनुपात में आने के लिए ने कितना समय लगा है? 6 वर्ष। और अंतर देखो क्या दोनों का सेम मिल रहा है। यहाँ पर 17 में से 14 गए 3 बचेगा और 20 में 17 गए 3 बचेगा, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेम है। और हमें ऊपर से नीचे आने में मतलब 3 अनुपात लेने के लिए कितना हमें बढ़ना, मतलब कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो 1 अनुपात के लिए कितना होगा? फिर 2 और 3 से भाग करोगे तभी तो 1 बनेगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब ये हमसे किसी का भी पूछ लें, अनुपात का मान हमें मिल गया, वर्ष में पेट नहीं फटेगा। किसकी पूछ रहे? शेखर की वर्तमान आयु। शेखर है किधर? ये है। और शेखर के कितना है? 17। 17 ही गुणा कितने से करना है? 2 से। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? शेखर, अब मैं एस बराबर लिख दे रहा हूँ सिर्फ, 17 गुणा 2 कितना हो गया? 34। 34 वर्ष हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 34 वर्ष, सी ऑप्शन करेक्ट है। आ गया समझ में? हाँ, मेथड याद रखोगे सवाल बहुत आसानी से होगा। तीसरा देखो, करें मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा और कौन है? प्रिया। तो मीरा को एम से लिख दे रहे हैं, प्रिया को पी से लिख दे रहे हैं। और इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। फिर इन्होंने बोला है 10 वर्ष के बाद, कितने? 10 वर्ष के बाद पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः, पूर्व वाली आयु ठीक है, कितना है? 4:7 था। ये यहां पर 10 वर्ष बाद नहीं होगा, यहां बाद नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि था शब्द आ गया ना, था का मतलब पहले की बात हो रही है, भूतकाल की। हाँ पहले आएगा, बात काट देना, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:7 कितना था? 4:7। हाँ 4:7 था, ये 4:7 कितना था? 7 था। देखिए यही तो बोला है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात 3:4 है, तथा 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है क्रमशः? 4:7 है। अब कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष के बाद, मतलब जो वर्तमान वाली मिलेगी उसमें 5 जोड़ देना, बस ये कहना है उनका। लेकिन हम पहले वर्तमान वाली निकाले तो, लेकिन निकालने से देखो यहाँ से इस अनुपात में पहुँचने में इसे कितना समय लगा? 10 वर्ष लगा, या इससे ऊपर वाले में पहुँचाएगा? 10 वर्ष लगाए। तो अब हम अनुपात देखें, पहले तो अनुपात का अंतर के सेम मिल रहा है, तब तो हम ये मेथड लगाएंगे, नहीं तो हम पे नहीं लगेगा ये, है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से और यहाँ का अंतर देखो कितना मिला यहाँ में और उधर कितना मिला। क्या यहाँ मेथड लागू होगा? ये नहीं होगा। तो अब क्या करना है हमें, इनमें किसी ऐसे नंबरों से गुणा करके देखनी है कि इनका जो अंतर आए वो सेम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? चलो हम ऊपर वाले में 2 से गुणा कर ले रहे हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, भाग कितना हो जाएगा? 8। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा, गलत हो गया फिर भी। अब इसमें हम किसी अंक से गुणा करके देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लग रहा है हमें, और बड़ा हो जाएगा। हमने अभी इसमें कितने से गुणा की थी? 2 से। 3 से करके देख लो, 3 3 9 और 3 4 12, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, मतलब सही बैठ रहा है ना। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में
तीन से कर लो, तीन तिया नौ और अनुपात में तीन पंजे पंद्रह, वो तीन चौक बार है, पांच नहीं है। फिर नीचे चार अनुपात सात, तो मैंने क्या, यही कंडीशन तभी लागू होगी जब इनके बीच का अंतर सेम मिलेगा, और नहीं है तो किसी अंक से गुणा करके देखो। हमेशा छोटे वाले में जल्दी देखा करो, क्योंकि बड़े वाले को जब करोगे गुणा तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अंतर सेम मिलने की जगह और बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां अंतर हमें कितना मिला, पांच, और यहां पर भी अंतर कितना मिला, पांच। मतलब ये अनुपात ही तो है हमारे, तो पांच रेशो या अनुपात बराबर कितने वर्ष लगे, दस, दस ही तो बोल रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, उधर दस में भाग कर देना, दो आ गया। तो हमें किसकी आयु निकालनी है भैया, मीरा की आयु चाहिए, वो भी वर्तमान है ना। पहले तो यहां पर देखो कितनी आएगी, एक अनुपात का कितना आ गया, और है कितना अनुपात, अब ये वाला लेना कहूं ऊपर वाले पे माइंड चला जाए, क्योंकि तो उस पे जाओगे तो यहां तो अनुपात सेम, वो अंतर सेम नहीं आ रहा था ना, आंसर गलत आ जाएगा। अब ये हो जाएगा अनुपात हमारा, तो दो की गुणा किस में करोगे, नौ में, तो कितना हो जाएगा मीरा की वर्तमान आयु, अगर हम देखें वर्तमान, तो हो जाएगा भाई नौ गुणा दो मतलब अठारह। अगर ये कहते वर्तमान आयु तो अठारह वर्ष, लेकिन ये कह रहे हैं वर्तमान आयु के पांच वर्ष के बाद, तो पांच जोड़ देंगे इसमें हम, कितना हो जाएगा, पांच अठारह और पांच तेईस हो गया ना, तेईस वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहां पर, कि हमने ये शुरू वाले दो क्वेश्चन किए इसमें अनुपात इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, अनुपातों का अंतर ऑलरेडी सेम दिया था, इस वाले में अनुपातों का अंतर ऑलरेडी सेम नहीं है तो हमें करना पड़ा। ठीक है, हाँ नोट करो। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं सात वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात क्रमशः चार अनुपात पांच था। यहां पर देखें भाई ए और यहां बी, सात वर्ष पूर्व की बात की है तो यहां लिख लो सात वर्ष, खाली पूर्व लिख लो, सात पूर्व वर्षों में ही तो है, कहां ज्यादा थ्योरी लिखोगे, है ना। कितना है देखो, चार अनुपात पांच है, यही तो है। फिर उन्होंने बोला है सात वर्ष के बाद, तो पूर्व और सात अब वर्ष के बाद चौदह वर्ष का अंतर हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, आया समझ में, वर्तमान की अपेक्षा ऊपर वाला सात वर्ष पूर्व है और ये बाद है, तो दोनों के पूर्व वाले और बाद वाले के अंतर कितना हो गया, चौदह वर्ष। अब कितना अनुपात हो गया सात वर्ष के बाद, क्रमशः पांच अनुपात छह हो जाता है। अब इनका अंतर देखो भाई, एक मिल रहा है चार में से, वो पांच में से चार जाएंगे, तो यहां पर भी छह में से पांच जाएंगे, इसका मतलब अंतर में सेम मिल रहा है तो ए और बी के अनुपात का, जब अंतर सेम है तो हमें ट्रिक लगा देंगे आराम से। एक अनुपात बढ़ने के लिए इन्हें कितने वर्ष लग गए, चौदह वर्ष लग गए, मतलब एक अनुपात बराबर एक रेशो बराबर चौदह वर्ष। अब एक बात ध्यान रखो कि हमें एक का ही निकालना होता है, ये ऑलरेडी एक का निकल आया हमारा, फिर देखो क्या पूछ रहे हैं ये, हाँ बी, हाँ की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु, यानी अगर हमने यहां की आयु निकाली तो इसमें सात घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सात वर्ष के बाद है, और ऊपर वाले में निकाली तो इसमें सात जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सात वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो बी की निकाल लो आयु, यहां से निकाल ले रहे हैं उसमें जोड़ना है, और इसकी यहां से निकालोगे तो घटाना है ना। तो बी की वर्तमान आयु ऊपर वाले से ले रहा है भाई, तो पांच गुणा चौदह, चौदह गुणा होगी ना पांच से, प्लस सात, क्योंकि ये पूर्व की बात है, तो चौदह पंजे सत्तर, क्यों प्लस सात, सत्तर और सात कितने हो गए, सतहत्तर वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे समझ में आइए,
और अगर हम 6 से गुणा करते तो 7 घटा लेते, तब भी 77 आता। अगला क्वेश्चन ये कौन सा था, चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा भाई, कह रहे अंजू और यश तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू को ऐसे लिख दे रहे हैं और संध्या को ऐसे, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 13:17। ये कौन सी आयु है, वर्तमान, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व कितना है, 11:15। कितना, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यहां लिख लेना 4 पूर्व वर्ष, वो तो वर्ष में ही आएंगे, है ना। अब हम पहले इनका अंतर देख लें, सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये कौन था हमारा, ये अमित, क्या नाम है इसका, अंजू। अंजू का यहाँ पे, यहाँ पर देखो अंतर कितना है, 2, और यहाँ देखो इसका संध्या का यहाँ पर भी 2 ही है। और वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व जाने के लिए इन्हें कितने अंतर, मतलब कितने अंतर, 2 की जरूरत पड़ रही है। यानी अनुपात भी सही आ गया और अंतर जो है उसका हमें समय भी पता चल गया, कितना आ गया, 2:2 या 2:4 कितना, 4 वर्ष। तो 1 का कितना हो जाएगा भाई, हाँ 1 का 2 हो जाएगा, भाग कर लेंगे दोनों और 2 से। अब ये हमसे किसी का भी पूछ लें, आराम से निकाल लेंगे। किसका पूछ रहा है ये हमसे, कह रहा 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, अब यहां पर देखो 1 अनुपात के लिए कितना, 2 वर्ष लगे, तो 6 वर्ष के लिए कितने अनुपात बढ़ेंगे, 3 बढ़ जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यहां पर अब, यहां पर अगर हमें 6 वर्ष चाहिए तो इसका मतलब क्या है, 3 से गुणा की होगी हमने यहां, तो यहां 3 से भी कर देंगे, तो जो वर्तमान वाला है उसमें ये जोड़ देंगे हम, 3 3 दोनों तरफ, अनुपात ही तो निकालना है। या तो पहले दोनों की साल निकाल लो इसमें धड़ से गुणा करके, है ना, फिर अनुपात कर लो। ये जब अनुपात दिया है तो डायरेक्ट अनुपात नहीं जोड़ दो, तो वर्तमान से ही तो कह रहे हैं, देखो पढ़ के, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान की बात हो रही है, 6 वर्ष मतलब वर्तमान के बाद 6 वर्ष, तो क्या आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दो 16, और इधर 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20। अब ये देखो अनुपात जब कटता है तो काट लेते हैं, यहां लिख दे रहा हूं 6 वर्ष बाद, काटो भाई किससे कटेंगे, ये 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये अनुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमें, नहीं तो ये ई वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो कन्फ्यूजन के लिए उल्टा करके दे दिया है, वो हमें पहले ही दिख रहा है, देखो इधर वालों के अनुपात छोटे हैं उधर वालों के बड़े हैं, तो ये छोटा ही आना चाहिए ना 4, तो इसीलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन पेपरों में तुम्हें 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो देंगे या चौथा ही वाला कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा अगला क्वेश्चन 6 है, कह रहे समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। जो समीर और कौन है, तनुज, तो समीर को हम किससे लिख दे रहे हैं, एस से, और तनुज को लिख दे रहे हैं टी से, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान वाली दी है कि ऐसी बोला है कि आयु का अनुपात, तो जब कुछ नहीं बोलते हैं तो वर्तमान मान लिया करो, ठीक है, कितना है, 8:15 फिर इन्होंने बोला है कि 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, कितना, 11:18 होगा, ध्यान देना, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो क्या करना है तुम्हें, या तो दोनों की आयु अलग अलग निकाल लो फिर घटा लो अंतर मिल जाएगा, या दोनों के अनुपात का अंतर ले लो उसकी गुणा कर देना जो नीचे मिले, डायरेक्टली हो जाएगा। फिर पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो समीर और तनुज की जो अनुपात दिए, क्या उनका अंतर सेम मिल रहा है, यहाँ पर देखो इधर और इधर देखो, तो 18 में से 15 गए कितने बचे, 3,
11 में से 8 गए तो बचे, सही मिल रहा है। और तीन जो अनुपात हमें मिला वो कितने वर्ष लगे हमें, 9 वर्ष, 9 वर्ष बाद बोला ना, तो एक का कितना हो जाएगा एक अनुपात के लिए, हाँ दोनों और तीन से भाग कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष। अब हमसे इनका क्या, इनकी आयु नहीं पूछी है, इनके बीच की आयु का अंतर पूछा है ना, तो हम पहले अंतर ही नहीं निकाल लें इनका, वर्तमान वाली की बात करेंगे ऊपर वाली की, तो बाद वाले का थोड़ी पूछा है इन्होंने, ये पूछा है हाँ इन दोनों की आयु का कितना अंतर है ना, इन दोनों की आयु के कितना अंतर है, कुछ नहीं बोला है तो मतलब ऊपर वाले वर्तमान वाली बात हो रही है, तो अंतर कितना मिलेगा इन दोनों की आयु का, हाँ तो अंतर हमारा मिला 7, तो 3 की 7 में गुणा कर दो आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, तो आयु का अंतर कितना आ जाएगा, ये 7 अनुपात आ गया और 1 अनुपात का मान कितना है 3, कितना हो गया 7 21 वर्ष उनकी आयु में अंतर होगा। आगे समझ में कि अंतर पूछ रहे हैं तो अंतर ही ले लो ना, क्यों अलग अलग घटा के फिर पहले इसकी निकालो फिर इसके निकालो फिर घटाओ, योग पूछते तो योग कर लेते, कौन सा हो गया ऑप्शन, ये हो गया हमारा डी वाला, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे समझ में ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है भाई 7वां, कह रहे हैं सीमा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है, सीमा है और दूसरी कौन है रीमा, अब यहाँ ध्यान दें यहाँ बोला कुछ नहीं है इन्होंने, तो इसका मतलब वर्तमान होगी, ये पूर्व बाद शब्द नहीं बोला है ना, तो ये जो भी अनुपात दिया है वो वर्तमान होगी, कितना दिया है 9:16 है अनुपात है ये, वो रहने देंगे अनुपात ही लिखते हैं हम यहाँ पर, कह रहे हैं 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा, 10 वर्ष के क्या है बाद क्या हो जाएगा 2:3 अनुपात रहने दो, सेम पर लिख लो, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अनुपात हमें मिल गया, चेक करना है कि इनके बीच का अंतर सेम है या नहीं, यहाँ कितना मिलेगा 7 और यहाँ कितना मिलेगा 13, क्या सेम है, नहीं है तो ट्रिक नहीं लगेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे घटा लो, यहाँ कितना बचेगा छोटे वाले में से, वो बड़े वाले में से हमें छोटा ही घटाना, यहाँ 7 मिलेगा और यहाँ 1, तो ये 1 की गुणा ऊपर वाले में 7 की गुणा नीचे वाले, तो ऊपर हो जाएगा 9:16 क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21, अब घटा लो यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ भी घटाओ 5, सही हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात बढ़ा 5 वर्ष, कितने लगे 10, तो 5 अनुपात बराबर कितने वर्ष 10 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर कितने वर्ष, दोनों ओर 5 से भाग कर लो, 5 × 5 इधर हो जाए 5 × 2 = 10 वर्ष, अब जिसका भी पूछे अब आराम से निकाल देंगे, किसका पूछ रहे हैं ये हमसे, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो आयु में वर्तमान की बात कर रहे हैं जब किसी की बात नहीं हो रही है, तो अंतर यहाँ से चेक करना, ऊपर मत जाना, अब यहाँ अंतर देखो कितना आ रहा है आयु में अंतर या अनुपात में अंतर देख लो ना, वर्तमान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ याद के लिए किसका है, वर्तमान अनुपात में अंतर, अंतर कितना आएगा, एक का है 16 और एक का है 9, 16 में से 9 का कितना बचा 7 अनुपात, और 1:1 का मान इन्होंने दिया है 2 वर्ष, तो 7:1 का मान कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 वर्ष, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा है ना, ए ऑप्शन कर रहे ठीक, हाँ नोट कर लो बस काफी। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, देखें पढ़ के क्या कह रहे हैं, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, सरिता और उसका पुत्र, नोट कर लेते हैं दोनों को, एक तरफ सरिता लिख लो, सरिता लिखा है सरिता ही लिखा है, और इधर इसका पुत्र, इसमें हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इस पॉइंट को, सबसे पहले देखना है इनके बीच में अनुपात क्या है, सबसे पहले क्या देखना है इनके बीच में अनुपात देखना है, तो ये इन्होंने बोला क्या है कि देखो यहाँ पर बोला है इन्होंने कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो
तो अगर अनुपात देखें तो इनमें बड़ा कौन है? सरिता है। तो पुत्र को एक दे दो, सरिता को पांच, पांच अनुपात एक हो जाएगा। जब पांच गुनी है तो एक का पांच गुना हो गया, नहीं हो गया? कारण पांच वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 25 गुनी थी, पांच वर्ष पूर्व। तो यहां पर एक और इसकी आयु 25 गुनी है, एक की तो 25 गुनी होगी 25। यहां तक आ गया समझ में? अनुपात देखना है पहले, तो अनुपात मिल जाए। अनुपात मिलने के बाद में यहां नोट कर लो कि ये कितने वर्ष लगे यहां से यहां तक आने में। तो पांच वर्ष पूर्व बोला है तो पांच वर्ष लगे यहां पर, है ना? पांच वर्ष पूर्व की बात। अब इसको देखने के बाद में एक जस्ट पॉइंट ये नोट कर लें, और अगर ये पॉइंट मिल जाए तो आंसर हो जाएगा कि इनके और इनके बीच का अंतर और इनके और इनके बीच का अंतर सेम आ जाए, बस तो एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ 25 में से 5 जाएंगे, 20 बचेगा, और एक में से एक जाएगा 0, अंतर सेम नहीं आया। अंतर सेम जब नहीं आए तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना है? इन दोनों में जो बड़ा वाला है उसको उसमें से घटा लो। तो यहाँ घटाओगे 25 में से तो यहाँ कितना बचेगा? 24। और यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। पहले तो ये दोनों देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कर रहे हैं 4 से, 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 6, 4 संग 24। जो यहाँ आया उसकी गुणा ऊपर वाले में करो, जो यहाँ मिलेगा काटने के बाद उसकी गुणा नीचे वाले में करो। तो यहाँ हमें 6 मिला, 6 × 5 = 30 हो गया, और यहाँ 5, और यहाँ 1 बनेगा वो, तो 25 × 25 और 1 × 1 = 1। आगे समझ में यहाँ तक? क्या अंतर घटा के देखो सेम आ रहा है? फिर से 25 यहाँ पर 5 बचेंगे, और यहाँ पर सॉरी 6 से गुणा किए, 6 में बचा था ना, यहाँ पर 4 एक बार जाएगा, यहाँ 6, तो यहाँ आएगा 6 × 6 = 6। तो यहाँ हमारा 5 बच रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, इसका मतलब हमारा अब सवाल सही हो गया। आ गया यहाँ तक समझ में? बाई चांस अभी ये सेम नहीं आता तो बगैर काटे गुणा करते, 24 की ऊपर और 4 की नीचे, फिर भी सेम नहीं आता तो इनके दुगने से, यहाँ 8 से गुणा करते हैं, यहाँ 48, वैसे तो मिल ही जाएगा। जब ये संख्याएं छोटी होती हैं तब दुगने से गुणा करने पड़ते हैं, है ना? तो यहाँ 5 अंतर मिल गया। अब इस वाले को भूल जाओ, अब हमारा सवाल ये बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 5 अनुपात, या यहाँ से ऊपर जाने में 5 अनुपात लगेंगे, ये तो अनुपात हो गया, लेकिन वर्ष भी कितने लगे हैं? 5। तो 5 अनुपात बराबर 5 वर्ष हो गए भाई, कितने वर्ष हो गए? तो 1 अनुपात का मान कितना होगा फिर? 1:1 या 1 अनुपात, 5 से दोनों ओर भाग कर लो, 1 वर्ष हो जाएगा। अब तुम्हें जिसका भी मान चाहिए आराम से मिल जाएगा। किसका मान चाहिए इसमें? ये देखो सरिता की वर्तमान आयु, तो इसमें ये बताओ ऊपर वाली वर्तमान होगी नीचे वाली वर्तमान होगी? इनमें जो अनुपात ऊपर वाला वर्तमान होगा नीचे वाला? नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ये तो 5 वर्ष पूर्व है ना, नीचे वाला ये होगा वर्तमान, जिसके लिए कुछ नहीं बोले वो वर्तमान है, और जहां पूर्व बोल दिया बाद बोल दिया वो नहीं होगा। तो सरिता की वर्तमान आयु तो अनुपात में 3 है, और 1 अनुपात का मान कितना आया? 1 ही। तो 30 अनुपात का मान 30 ही तो आएगा फिर, यानी 30 अनुपात बराबर 30 वर्ष, मतलब सरिता की आयु कितनी हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। आ गया समझ में? नमा समझियो लोग, अगर नहीं समझ में आया तो नमा क्वेश्चन पढ़ो। करें हमारी माँ की आयु हमारी माँ की आयु मेरे भाई से 3 गुनी है, तो यहां लिख ले रहे हैं माँ, और यहां लिख लिया भाई, तो भाई की आयु 1 मानो, तभी तो माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी, जो भी मानो वहां पर। फिर उन्होंने बोला है मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं जो भाई की आयु से कितना बड़ा है? बड़ा है, मतलब 1/3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, उतना ज्यादा होगा ना ये मैं, तो इसमें 1/3 जोड़ो तो हमें 1+1/3, 3 × 3 = 4 हो गया ना, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुपात में कभी भाग में मत लिखो, तो भाग में जब हटाना है तो क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे 3 से,
तो जब इसमें तीन से गुणा होगी तो सभी में तीन से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, और यहाँ तीन कैंसिल होके चार बचा। आगे समझे, अनुपात निकल आया। यहाँ दो अनुपात थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यहाँ एक ही है, तो यहाँ पर ही कोई संबंध दिया होगा इन्होंने। देखो पढ़ के क्या दे रहे हैं, पांच वर्ष पूर्व मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। हाँ, चार वर्ष पूर्व, चार वर्ष पूर्व जितनी इसकी आयु थी उतनी ही तो इसकी होगी। जब इसकी तीन है तो इसकी भी तीन होगी, नहीं होगी? इसका मतलब इनके बीच में अभी कितने अंतर है, एक। वो एक जो अनुपात में अंतर है वो चार वर्ष के बराबर हो गया, क्योंकि वो पहले तीन था ना, तीन से चार हुआ ना चार वर्ष में। उन्होंने खुद बोला है कि मैं अपने भाई के बराबर था ना चार वर्ष पूर्व, तो इनके ही अनुपात में अनुपात मतलब अंतर देख लो कितना है। तो हमें अनुपात में अंतर मिला एक, बराबर कितने वर्ष, चार वर्ष, यही तो बोला है। अब हमें वैसे एक ही अनुपात का मान चाहिए, ऑलरेडी मिल ही गया हमें, तो अब हमें क्या करना है देखो। कह रहा मेरी माँ की वर्तमान आयु, तो इसकी माँ के वास्तव में अनुपात क्या है, नौ है, और एक अनुपात का मान कितना है चार, तो नौ अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इधर भी नौ से गुणा की तो नौ से इधर भी हो जाएगी, तो नौ चौक छत्तीस वर्ष हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे समझ में, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एक अनुपात का मान मिल जाए किसी प्रकार से मिले, अब किसी का भी पूछ ले फिर हमसे, ठीक, नोट कर लो।